हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मेरा नाम है सचिन, मैं आप लोगों को बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग मनुष्य में श्वसन तंत्र के बारे में पढ़े थे। श्वसन तंत्र में उनमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान जो होता है वायु कोष्ठों के समूह में, जिसे हम लोग कोपिका बोलते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वह है हमारे शरीर में परिवहन या परिसंचरण तंत्र के बारे में। इन सब के बारे में गाइस आज हम लोगों का लेक्चर है। तो गाइस, परिसंचरण तंत्र क्या होता है या परिवहन क्या होता है, यह जंतुओं में उसके सबसे विकसित व विस्तृत तंत्र होता है जो अंगों तथा ऊतकों तक रासायनिक पदार्थों का निरंतर आदान प्रदान करता है। गाइस, एक बार फिर से, यह जंतुओं में सबसे विकसित व विस्तृत अंग होता है जो अंगों व ऊतकों तक रासायनिक पदार्थों का निरंतर संचरण करता रहता है, निरंतर संवहन करता रहता है। तो उसे हम लोग, इस प्रक्रम को हम लोग संवहन तंत्र या संचरण तंत्र बोलेंगे। तो गाइस, आइए लिखते हैं, परिसंचरण तंत्र क्या होता है। यह जंतुओं में विकसित एवं विकसित तंत्र होता है, विकसित एवं विस्तृत तंत्र होता है, विस्तृत तंत्र होता है, जो अंगों तथा ऊतकों तक रासायनिक पदार्थों का निरंतर आदान प्रदान करता है, तो आदान प्रदान करने वाले तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो गाइस, यह हो गया हम लोगों का परिसंचरण तंत्र। ट्रांसपोर्शन सिस्टम क्या होता है, यह जंतुओं में विकसित एवं विस्तृत तंत्र होता है जो ऊतकों एवं अंगों या ऊतकों तक रासायनिक पदार्थों का निरंतर आदान प्रदान करता है। तो आदान प्रदान करने वाले उन अंग तंत्रों को हम लोग परिसंचरण तंत्र कहेंगे। तो गाइज, आप परिसंचरण तंत्र हो गया, इसके बारे में हम लोग जान लिए कि इसका कार्य क्या है। यह हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थों का निरंतर लगातार आदान प्रदान करता रहता है। तो गाइज, यह इसका कार्य है। अब इसके टाइप्स, इसके कितने प्रकार हैं, तो गाइज यह दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र वह परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें वेसल्स वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं तथा इनमें पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं ये डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में रहते हैं और गाइज इसके एग्जाम्पल हो जाएगा आर्थ्रोपोडा व सिफेलोपोड्स। इसके बारे में गाइस हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो गाइस, पहला इसमें हो जाएगा खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो गाइज खुला प्रसंचर तंत्र क्या होता है? यह वह प्रसंचर तंत्र होता है जिसमें वेसल्स वाहिकाएं रुधिर वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं तथा इनमें पाए जाने वाले ऊतक डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में रहते हैं तथा इसके एग्जाम्पल हो जाएगा आर्थ्रोपोडा व सिफेलोफाइट्स। तो गाइज आइए इसके बारे में लिखते हैं। पहला, यह इसमें वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं, इसमें वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं, वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं, वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। दूसरा, इसमें पाए जाने वाले ऊतक सीधे रुधिर के संपर्क में रहते हैं, रुधिर के संपर्क में रहते हैं। गाइज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ के जीव। और गाइस दूसरा हो जाएगा सिफेलोपोड्स संघ के जीव। तो गाइस खुला प्रसंचर तंत्र क्या होता है जिनमें वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ब्लड है, इसमें ब्लड है और अगर इस ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो इसमें वाहिनियां अनुपस्थित रहेंगी, जो इसका ब्लड का फ्लो होगा वो सीधे ऐसे चला जाएगा या फिर ऐसे ऐसे फैल कर जाएगा। तो गाइस और इनमें वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं। दूसरा, इनमें पाए जाने वाले ऊतक, जो यहाँ पर ऊतक पाए जाएंगे, छोटे छोटे टिश्यू पाए जाएंगे, इनका डायरेक्ट जो रहेगा संपर्क ब्लड से रहेगा। तो गाइज इस प्रकार इनमें प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें यह अंतर है। खुला प्रसंचरण तंत्र क्या होता है अब हम लोग जानेंगे, बंद प्रसंचरण तंत्र क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो गाइज आइए अब हम लोग बंद प्रसंचरण तंत्र के बारे में जानेंगे। बंद प्रसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो गाइज बंद प्रसंचरण तंत्र क्या होता है? वह प्रसंचरण तंत्र जिसमें वेसल्स पाए जाएं, वाहिनियां पाई जाएं तथा इसके साथ साथ उनमें पाए जाने वाले ऊतक डायरेक्ट जो होते हैं वह ब्लड के संपर्क में नहीं रहते हैं, तो इस प्रकार के तंत्र को हम लोग बंद प्रसंचरण तंत्र कहते हैं। गाइज इसका एग्जांपल हो जाएगा एनीलिडा संघ के जीव में हो जाएगा केचुआ। फिर दूसरा हो जाएगा कार्डेटा संघ के जीव में हो जाएगा खरगोश व मनुष्य। तो गाइज आइए इसके बारे में लिखते हैं। पहला, इसमें वाहिनियां उपस्थित होती हैं वाहिनियां उपस्थित होती हैं। और गाइस दूसरा हो जाएगा
इसमें पाए जाने वाले उत्तर, इसमें पाए जाने वाले उत्तर सीधे रुधिर के संपर्क में नहीं होते हैं, रुधिर के संपर्क में नहीं होते हैं, संपर्क में नहीं होते हैं। और गाइज इसका एग्जांपल हो जाएगा एनीलिडा संघ के जीव, एनीलिडा संघ के जीव, एनीलिडा संघ के जीव, इसमें आ जाएगा केचुआ। केचुआ और गाय दूसरा हो जाएगा कार्डेटा संघ के जीव, कार्डेटा संघ के जीव, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मनुष्य व खरगोश, मनुष्य व खरगोश। तो गाइज यह हो गया बंद परिसंचरण तंत्र व खुला परिसंचरण तंत्र में अंतर। तो गाइज जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं तथा इसमें पाए जाने वाले ऊतक सीधे ब्लड के संपर्क में नहीं होते हैं। और इसका एग्जांपल एनीलिडा में हो जाएगा केचुआ और कार्डेटा में हो जाएगा मनुष्य व खरगोश। अब गाइज हम लोग जानेंगे इसकी व्यवस्था के बारे में, मतलब यह जो परिसंचरण तंत्र है यह किस प्रकार का होता है, कैसे इसकी व्यवस्था है। प्रकार तो इसके दो होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग इसकी व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो गाइज इसमें पहले आएगा रुधिर, फिर हृदय, फिर आएगा रुधिर वाहिनी। तो गाइज आइए हम लोग इन सब के बारे में जानेंगे। गाइज जिसमें पहला हो जाएगा रुधिर, दूसरा हो जाएगा हृदय और तीसरा हो जाएगा रुधिर वाहिनी। परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था या संरचना, व्यवस्था या संरचना। तो गाइज हो गया जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पायरेशन सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्शन हो जाएगा, ट्रांसपोर्शन सिस्टम। तो गाइस यह हो जाएगा परिसंचरण तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्शन सिस्टम। तो गाइस जो होता है यह तीन प्रकार का होता है, एक इसमें पहला हो जाएगा रुधिर, इस और रुधिर के प्रकार इसमें हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा हृदय, हृदय के बारे में, तीसरा हो जाएगा रक्त वाहिनियाँ। तो गाइज इसमें पहला हो जाएगा रुधिर, दूसरा हो जाएगा हृदय, तीसरा हो जाएगा रुधिर वाहिनी। तो गाइज इसमें हो जाएगा ब्लड, इसकी इंग्लिश हो जाएगा हार्ट, और इसका हो जाएगा ब्लड वेसल।
तो गाइज यह हो गया हम लोगों का परिसंचर तंत्र की संरचना। तीन प्रकार से परिसंचर तंत्र की संरचना होती है। या परिसंचर तंत्र में सहायक अंगों को परिसंचर तंत्र अंग कहते हैं या उसकी संरचना कहते हैं। गाइज इसके तीन प्रकार होते हैं, पहला रुधिर, दूसरा हृदय, तीसरा हो जाएगा रुधिर वाहिनी। तो गाइज अब आइए हम लोग पहला रुधिर के बारे में जानते हैं, रुधिर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो गाइज पहला जो रुधिर होता है यह सरल संयोजी ऊतक होता है। जो रुधिर होता है यह सरल संयोजी ऊतक होता है। इसका निर्माण भ्रूणा अवस्था में मध्य जनन स्तर में ही हो जाता है। जो हमारा रुधिर होता है इसका निर्माण भ्रूणा अवस्था में मध्य जनन स्तर में ही हो जाता है। और रुधिर जो होता है इसका स्वाद नमकीन होता है और यह चिपचिपा होता है तथा जल से मोटा होता है या जल से गाढ़ा होता है, क्षारी और अपारदर्शी होता है। तो गाइज यह सब इसके लक्षण होते हैं। और यह ऑक्सीजन गैस का परिवहन करता है, तो गाइज आइए अब हम लोग इन सब के बारे में लिखते हैं। तो गाइज पहला रुधिर का इसमें पहला हो जाएगा यह सरल संयोजी ऊतक से बना होता है, और दूसरा इसका निर्माण भ्रूणावस्था में मध्य जनन स्तर में ही हो जाता है, और गाय तीसरा यह जल से भारी स्वाद में नमकीन चिपचिपा क्षारीय व अपारदर्शी होता है, और गाइस इसमें चौथा हो जाएगा इसकी मात्रा शरीर के भार के लगभग सात से आठ % तक होता है गाय जो इसकी मात्रा होती है वह शरीर के भार के लगभग 7 से 8% मात्रा होती है। तो इस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति 70 किलो का है, तो इस हिसाब से अगर उसका 7 से 8% तक निकाले तो जो ब्लड आएगा वह लीटर में आएगा 5 से लेकर 6 लीटर तक, अगर गाइज कोई व्यक्ति 7 किलो का है, 70 किलोग्राम का है, तो उसमें उपस्थित जो ब्लड होगा वह 5 से 6 लीटर तक होगा। क्योंकि गाइज जो ब्लड होता है, जो ब्लड उपस्थित होता है वह संपूर्ण शरीर के भार के 7 से लेकर 8% तक होता है। जहां हम लोग
100 में से 7 से 8% का निकालेंगे तो इतना 70 में से 7 से 8% का निकालेंगे तो 5 से 6 लीटर तक आएगा। तो गाइस यह होता है रुधिर। रुधिर सरल संयोजी ऊतकों से बना होता है। इसका निर्माण भ्रूणा अवस्था में मध्य जनन स्तर में ही हो जाता है। फिर इसके पश्चात यह जल से भारी, मतलब इसका जो घनत्व तो होता है वह जल से भारी होता है। इसके साथ साथ यह स्वाद में नमकीन होता है, चिपचिपा होता है, क्षारीय होता है, फिर यह अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी क्या होता है? जिसमें प्रकाश आर पार न हो सके, उसे अपारदर्शी कहते हैं। इसके बाद गाइस चौथा, इसकी मात्रा संपूर्ण शरीर के भार के लगभग 6 से लेकर 7% तक होती, 7 से लेकर 8% तक होती है। तो गाइस यह हो गया रुधिर। अब हम लोग जानेंगे रुधिर के टाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड। फर्स्ट हो जाएगा WBC, सेकंड हो जाएगा RBC, सेकंड हो जाएगा WBC, थर्ड हो जाएगा प्लेटलेट्स। तो गाइज आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो गाइज रुधिर का जो टाइप है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड। फर्स्ट हो जाएगा RBC, सेकंड हो जाएगा WBC, थर्ड हो जाएगा प्लेटलेट्स। तो गाइज इसके पहले जो रुधिर होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला वाला होता है प्लाज्मा, पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। अब गाइस जो रुधिर कणिकाएं होती हैं यह 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं, जो रुधिर कणिकाएं होंगी यह 3 प्रकार की होंगी। एक हो जाएगा RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो गाइज यह होता है रुधिर कणिकाओं के प्रकार। तो अब हम लोग इसको छोड़कर पहले हम लोगों का जो प्लाज्मा होता है, आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसके बारे में आइए जानते हैं। तो गाइस जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, इसकी इंग्लिश भी प्लाज्मा ही होता है, प्लाज्मा। तो गाइस जो हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, इसकी मात्रा जो होती है यह है। इसमें इसकी मात्रा रुधिर में इसकी मात्रा रुधिर में इसकी मात्रा 55% होती है। 55% होती है रुधिर में इसकी मात्रा 55% होती है। और गाइस दूसरा प्लाज्मा में 90% तक जल उपस्थित होता है। 90% तक जल उपस्थित होता है। 90% तक जल उपस्थित होता है। जल उपस्थित होता है 90% तक जल उपस्थित होता है। और गाय तीसरा प्लाज्मा में जो शेष इसका भाग होता है 10%, तो प्लाज्मा में 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। और गाइस चौथा हो जाएगा, इसे रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं। इसे रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं।
निर्जीव भाग कहते हैं। और पांचवा हो जाएगा, क्योंकि इसे निर्जीव भाग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं, क्योंकि इसमें रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं, रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। अनुपस्थित होती हैं। तो गाइस यह हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा में ए जो होता है रुधिर में, इसकी मात्रा 55% होती है। दूसरा, इसमें 90% तक जल होता है, 10% तक कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर इसके पश्चात इसमें रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं। क्यों इसे रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं? क्योंकि इसमें जो रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर कणिकाएं होती हैं वह इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो गाइस जब जैसे यहाँ पर अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, क्या होते हैं ये कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, कौन कौन से हैं जो इसमें उपस्थित हैं, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो गाइस इसमें पहला हो जाएगा छठवां कार्बनिक पदार्थ जो इसमें उपस्थित हैं, तो गाइस इसमें जो कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं उनमें होता है ग्लूकोज, प्रतिरक्षी, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन। प्रोटीन के प्रकार, जो प्रोटीन 5 प्रकार का होता है उसमें भी ये उपस्थित होते हैं, जैसे एल्यूमिन हो गया, ग्लोलियोलिन हो गया, प्रोथाम्बिन हो गया, फाइब्रोनिन हो गया, फाइब्रोनोजन हो गया, व हिपेरिन हो गया। तो गाय जिसमें कार्बनिक पदार्थ ये होते हैं। तो गाय जाइए लिखते हैं, तो पहला हो जाएगा ग्लूकोस, ग्लूकोस, प्रतिरक्षी, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, तथा प्रोटीन। आप गाइस प्रोटीन में क्या आ जाएगा? एल्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथाम्बिन, फाइब्रोनोजन, व हिपेरिन, आदि। तो गाइज यह होते हैं कार्बनिक पदार्थ जो प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। इनके नाम है ग्लूकोज, प्रतिरक्षी, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन व प्रोटीन। प्रोटीन में हो जाएगा एल्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथाम्बिन, फाइब्रोनोजन, हिपेरिन। अब गाइज इसमें अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? गाइज ये तो हो गया कार्बनिक पदार्थ। अब इसमें सातवां हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जो प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ ये कौन कौन से होते हैं? तो गाइस इसमें होता है सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम फास्फेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है, क्लोराइड होता है।
सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है, क्लोराइड होता है। तो गाइस आइए लिखते हैं, इसमें हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, फिर इसके पश्चात होता है सल्फेट, सल्फेट बाइकार्बोनेट, सल्फेट हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट वह क्लोराइड हो जाएगा ईटीसी। तो गाइस जो होते हैं इतने प्रकार के तत्व अकार्बनिक में आते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड। और गाइस जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें आता है ग्लूकोज, प्रतिरक्षी, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन, प्रोटीन में एल्यूमिन, ग्लोल्यूलिन, प्रोथाम्बिन, फाइब्रोनोजन व हिपेरिन। तो गाइस हम लोग पढ़ लिए प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा में पाए जाने वाले कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार का होता है, एक होता है WBC, एक होता है RBC, एक होता है प्लेटलेट्स। अब हम लोग इसके लक्षण के बारे में जानेंगे। तो गाइस जब हम लोगों का इसमें दूसरा है रुधिर कणिकाएं, गाइस अब हम लोगों का इसमें पहला है, दूसरा है जो होता है रुधिर कणिकाएं, ब्लड सेल्स, कॉर्पल्स हो जाएगा, ब्लड कॉर्पल्स। तो गाइस जो होता है रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार का होता है, ए होता है RBC, लाल रुधिर कणिकाएं, बी होता है WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और सी होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो गाइज आइए अब हम लोग बारी बारी से इनके बारे में जानेंगे। तो गाइज सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे RBC, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पल्स। लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इनका जीवन काल क्या होता है, इसके कलर में क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गाइस इसमें हम लोगों का पहला है RBC, तो आइए हम लोग RBC के बारे में जानते हैं। तो गाइस जो RBC होता है इसमें पहला हो जाएगा यह रुधिर का, या रुधिर का 45 से, गाइज यह रुधिर का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, क्योंकि इसमें पैंतालीस से लेकर 55 लाख प्रति क्यूबिक मिमी रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं, गाइस यह होता है, यह ब्लड का जो रक्त होता है इसका सबसे बड़ा भाग होता है, क्योंकि इसमें 45 से लेकर 55 लाख प्रति क्यूसेक मिमी जो होता है रुधिर कणिकाएं पाए जाते हैं, मतलब एक मिमी में इतनी लाख कणिकाएं पाए जाएंगी, इसलिए गाइस यह सबसे बड़ा भाग होता है रुधिर का। दूसरा
यह केंद्रक रहित लाल रंग का होता है, और गाय तीसरा, इसका लाल रंग इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के कारण होता है, और गाय चौथा हो जाएगा, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और गाय पांचवा हो जाएगा, इसका जीवन काल जो हमारा आरबीसी होता है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, और गाय जो हमारा WBC होता है, इसका जीवन काल 1 से लेकर 2 दिन का होता है। तो गाय यह हो गया हम लोगों का RBC के बारे में। RBC जो होता है इसमें केंद्रक नहीं होता है, और इसका लाल रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के कारण होता है, और इसके पश्चात यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और इसका जो आवर्तकाल होता है, जैसे एक जब RBC बन गया तो यह इसका खंडित या 120 दिनों के बाद न्यू RBC बनेगा, तो इसका जो जीवन काल हो गया वह 120 दिन हो गया। तो गाइज अब हम लोग पढ़ेंगे WBC, हम लोग RBC के बारे में जान गए क्या होता है। तो गाइज अब हम लोग पढ़ेंगे WBC के बारे में। गाइज दूसरा होगा इसमें WBC, तो गाइज इसमें वो ए हो जाएगा, यह रुधिर का सबसे छोटा भाग होता है, क्योंकि छोटा भाग होता है, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले कणिकाओं की मात्रा जो होता है वह 500 से 9500 प्रति क्यूबिक मिमी होता है, और गाइस जो हमारा RBC होता है इसमें 45 से लेकर 55 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होता है, इसलिए वह ब्लड का सबसे बड़ा भाग होता है, या ब्लड का सबसे छोटा भाग इसलिए है क्योंकि इसमें 500 से लेकर 9500 प्रति क्यूबिक मिमी होता है, इसमें लाख नहीं लगा है इसलिए सबसे छोटा है। और गाय दूसरा, यह केंद्रक युक्त होता है, अर्थात इसमें केंद्रक पाया जाता है, यह केंद्रक युक्त व
रंगहीन होता है। और गाइज हमारा WBC केंद्रक रहित और रंग युक्त होता है, और यह केंद्रक युक्त व रंगहीन होता है। और गाय तीसरा, यह रंगहीन इसमें उपस्थित अमीबाब के कारण होता है, इसमें उपस्थित अमीबाब के कारण होता है, अमीबाब के कारण होता है। अब गाय जी अमीबाब क्या होता है? अमीबाब वह पदार्थ होता है, वह यह पदार्थ होता है जो एक विशेष प्रकार के एंजाइम को स्रावित करता है जो RBC के कलर को कलरलेस कर देता है, अर्थात रंगहीन कर देता है। और गाय चौथा हो जाएगा इसका आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल 1 से 2 दिन का होता है, 1 से 2 दिन का होता है। गाइज मतलब जो हमारा WBC है यह खंडित होगा 1 से 2 दिन में, फिर इसके पश्चात यह न्यू बनेगा। तो इसका जो आवर्तकाल है वह क्या है? 1 से 2 दिन। तो गाइस यह हो गया WBC के बारे में। यह रुधिर का सबसे छोटा भाग होता है क्योंकि इनमें पाए जाने वाले कणिकाएं 500 से लेकर 9500 प्रति क्यूसेक मिमी होती हैं, क्यूबिक मिमी होती हैं। इसके पश्चात यह केंद्रक युक्त होता है, जो हमारा WBC होता है यह इसमें केंद्रक पाया जाता है, और जो RBC होता है इसमें केंद्रक नहीं होता है, और जो WBC होता है इसमें सेंटर्ड पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है। इसके पश्चात गाइस यह रंगहीन होता है, रंगहीन क्यों होता है? इसमें अमीबाब उपस्थित होता है। फिर इसके पश्चात इसका जो आवर्तकाल होता है वह 1 से 2 दिन होता है, 1 से 2 दिन में ये खंडित होकर नए बनते रहते हैं। तो गाइस जब हम लोग जान गए WBC के बारे में, RBC के बारे में, अब हम लोगों का जो तीसरा है वह है प्लेटलेट, जो तीसरा है हम लोगों का वह है प्लेटलेट। इसमें तीसरा है वह है प्लेटलेट। तो गाइस आइए प्लेटलेट्स के बारे में लिखते हैं। पहला, यह स्तनधारियों में पाया जाता है, यह स्तनधारियों में पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है। और दूसरा गाइज, यह रुधिर को थक्का बनाने के काम आता है, यह रुधिर को थक्का बनाने के काम आता है, थक्का बनाने के काम में आता है, थक्का बनाने के काम में आता है। और गाइज जो इसका रुधिर में मात्रा होती है, इसकी रुधिर में मात्रा वह होती है 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिमी, प्रति क्यूबिक मिमी होती है। तो गाइस यह हो गया हमारे शरीर में प्लेटलेट का कार्य। यह स्तनधारियों में पाया जाता है। स्तनधारी वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दुग्ध पिलाते हैं, तो उस प्रकार के जीवों को हम लोग स्तनधारी जीव कहते हैं, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में मैमेलिया बोलते हैं। इसके बाद यह रुधिर को थक्का बनाने के काम में आता है। जैसे यह हम लोगों का शरीर हो गया, अगर यहीं पे कहीं पे लग जाता है तो यहाँ पर जो ऊतक होते हैं वह चोटिल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर प्लेटलेट आएगा
प्लेटलेट आएगा और यहाँ पर बहने वाले ब्लड को रिकवर करेगा, मतलब यहाँ पर इसे ऐसे थक्का बना देगा। थक्का बनाने के पश्चात फिर यहाँ से कुछ समय के पश्चात नए चमड़ी का उद्भव होगा। तो गाइज यह होता है हमारे शरीर में प्लेटलेट का कार्य। और गाइज यह हमारे शरीर में जो शरीर में ब्लड में इसकी मात्रा होती है वह होती है 2 से 5 लाख क्यूबिक प्रति 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिमी। और जो हमारा WBC होता है वाइट ब्लड सेल्स, और यह केवल होता है 500 से 9500 प्रति क्यूबिक मिमी। और जो हम लोगों का RBC होता है वह होता है 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिमी 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिमी। तो गाय जिसमें सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, ये है। तो यह हमारे रुधिर का सबसे बड़ा अंग है, यह हमारे रुधिर का इसके बड़ा अंग है किससे है, वह है WBC से, और छोटा किससे है, RBC से। तो गाय सबसे बड़ा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, क्योंकि इसकी मात्रा केवल 500 से 9500 तक होती है। तो गाइज आज हम लोग पढ़े हैं जो इसमें 3 पार्ट होते हैं, इसकी व्यवस्था जो होती है परिवहन तंत्र की व्यवस्था में 3 पार्ट होते हैं। ए होता है रुधिर, और बी है, नहीं यहाँ पे एक था, बी है हृदय, दूसरा है हृदय, और तीसरा है रुधिर वाहिनी। तो गाइज हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए। अब ये जो लेक्चर है हम लोगों का, ये जो लेक्चर है यह कल का है, स्टडी, क्योंकि गाइज अगर अभी वीडियो में लेंगे इसे तो यह काफ़ी लंबा हो जाएगा। और गाइज हृदय में जो पाए जाते हैं दायां अलिंद बायां अलिंद महाधमनी महाशिरा, कैसे जो होता है दायां नीलय से दायां अलिंद में ब्लड आता है, और ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वह हृदय में जाता है, फिर वहाँ से वह O2 युक्त हो जाता है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर वहाँ से आने के पश्चात कैसे यह पूरे शरीर में फैलता है, इन सब का जो लेक्चर रहेगा गाइज वह कल की क्लास में रहेगा। तो गाइज आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।